हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्टिमिज्म की और एनएफटीज के क्लेम करने के बारे में। इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर ऑप्टिमिज्म क्वेस्ट के बारे में बात करी थी और जिनकी 18 एनएफटी हमें जनवरी तक क्लेम करनी है वन बाय वन कुछ टास्क को कंप्लीट करके। तो कुछ एनएफटीज हमने इसमें क्लेम कर ली थी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 5 एनएफटी हमने ऑलमोस्ट क्लेम कर ली थी। आगे की कुछ एनएफटीज हम आज की इस वीडियो में भी क्लेम करेंगे, उनके टास्क को कम्प्लीट करेंगे। ठीक है गाइज, तो बाकी के जो भी इंपॉर्टेंट एयरड्रॉप्स एंड अपडेट्स हैं गाइज, प्लीज़ आप चेकआउट कर लीजिएगा टैकर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पे। एप्टॉस लॉन्चपैड की साइट से बिग क्वेस्ट आया हुआ है, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो आपको जल्द ही दे दूंगी। एंड साथ ही यहाँ पे एक विनर लिस्ट है अमेजी की, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्टिव रहेंगे तो इंपॉर्टेंट एड्रॉप आप मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के इस क्वेस्ट के बारे में। सो इसमें जो कुछ इवेंट बाकी हैं, जिसमें से हम पहला इवेंट यहाँ पर ले लेते हैं लायरा का, जिसके कि एनएफटी हम लोग क्लेम कर लेंगे। इसके क्वेस्ट में सॉर्ट आउट कर चुकी हूँ, लास्ट वीडियो में आपने देख लिया होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको $100 से ज़्यादा की क्या करनी है, केवल ट्रेड करनी है इनके लायरा के प्लेटफॉर्म पे, और इनको फॉलो कर लेना है ट्विटर पे। इसके अलावा गाइड आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए कंप्लीट करते हैं टास्क। जस्ट सिंपली कैट स्टार्ट। सो ट्रेड वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, दैट इज़ यहाँ पे कॉल पुट। कॉल मींस बाय, पुट मींस सेल। तो सिंपली आप यहाँ पे डेट भी देखते हैं एक्सपायर्ड की, यहाँ पर ये इतना था, तो इस तरीके के अमाउंट के कॉल जो है हमें मिल रहे थे। तो मैं यहाँ पर अमाउंट को 28 ऑफ इस पर कर देती हूँ, तो यहाँ पे 51.35 को यहाँ पे क्लिक करते हैं हम। देन सिंपली जस्ट आपको यहाँ पे स्वैप टू स्टेबल पे क्लिक करना है एंड कन्फर्म करना है। सो गाइज, कुछ इस तरीके से आपके पास में स्वैपिंग के लिए आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ऑप्टिमिज्म के नेटवर्क को ही सेट किया हुआ है, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो ऑप्शन हमने चूज़ किया था उसमें मैक्सिमम कॉस्ट 51.61 का होना था, तो मैं यहाँ पे 51.61 का यहाँ पे ले लिया है मैंने। ठीक है गाइज, ऑप्टिमिज्म के नेटवर्क पर ही मैंने USDC को इथेरियम में यहाँ पर स्वैप कर रही हूँ। तो कन्फर्म स्वैप, अप्रूव। सिंपली आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे, देन स्वैप कंफर्म। सो मेरी यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई $51 की। हमें करनी कितनी थी 100 से ज़्यादा की, तो मैं एक बार और ट्रांजेक्शन कर लूँगी कंप्लीट करके। लेट्स सी कि अपनी NFT क्लेम होती है या नहीं। सो मैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अब क्या करूँगी, जो इथेरियम मैंने अभी लिया है उसी इथेरियम को अगेन मैं यहाँ पे USDC में ले लूँगी स्वैपिंग के लिए। सो गाइज, मैंने यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर ली है, जैसे कि $100 तक की ट्रेड कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे NFT वाले पेज पर आती हूँ यहाँ से NFT को क्लेम करने के लिए। तो ये अभी कह रहा है कि हमें वेट करना होगा कुछ सेकंड्स, देन हम यहाँ पे वेरीफाई के ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तभी आ रहा है कि वेट करना है हमें। तो आपको पता है कि ग्रीन थोड़े टाइम बाद होगा तो हो जाएगा और हम ये NFT क्लेम कर पाएंगे। बस इसी तरीके से आपको टास्क को कंप्लीट करना है। इसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट कौन सा क्वेस्ट यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वांटा को ले रहे हैं, और क्वांटा के लिए हमें यहाँ पर इसको टेस्ट ऑफ नॉलेज को कंप्लीट करना है। फॉलो करना है आपको क्वांटा को ट्विटर पे, और आपको यहाँ पर भी ओपन अ फ्यूचर पोजीशन $100 से ज़्यादा की आपको क्वांटा पे ओपन करनी है एक पोजीशन को, एंड आपको इनको डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन करना है। सिंपली हम यहाँ पे इनकी वेबसाइट पर आ गए हैं। सिंपली हम यहाँ पे स्टार्ट ट्रेडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमारा एड्रेस जो है कनेक्ट हो चुका है ऑप्टिमिज्म की चेन से। ट्रेड नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे डिपॉजिट वाला ऑप्शन दिखेगा गाइस। यहाँ पर आपको आपका फंड डिपॉजिट करना है, जिससे कि आप यहाँ पे 100x जो है ट्रेड कर पाएँ। सो गाइस, यहाँ पे डिपॉजिट करने के लिए आपके पास SUSD होना इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपके पास SUSD नहीं है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं यूनिस्वैप एक्सचेंज का। यहाँ पे आप अपने फंड से कुछ अमाउंट यहाँ पे स्वैपिंग कर लीजिएगा। सो बस यहाँ पे आपको इसको स्वैपिंग कर लेना है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में कोई प्रॉब्लम हो SUSD के, तो आप कॉइनजिको पे आ जाइएगा। कॉइनजिको से यहाँ से ऑप्टिमिज्म का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है वो आप ले लीजिएगा। ट्रांजेक्शन कंफर्मेशन के बाद चलते हैं प्लेटफॉर्म पे अगेन। सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे अमाउंट अब शो हो गया। मैंने इसको यहाँ पे 49 को यहाँ पर हम कर लेंगे डिपॉजिट।
सो गाइज यहाँ पर लिखा हुआ है कि $50 तक का मार्जिन जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी पोजीशन को ओपन करने के लिए, तो इस बात का ध्यान रखना। तो मुझे करना पड़ेगा स्वैप, तो सिंपली मैंने ये कर लिया। सिंपली अब मेरा फंड यहाँ पर शो हो गया है, अब हम इसको डिपॉजिट कर लेते हैं। सो गाइज यहाँ पे अमाउंट जो है अब डिपॉजिट होके शो होने लगा है जितना किया था मैंने। बाकी आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लीजिएगा पेयर और उसी में आप यहाँ पे डिपॉजिट कीजिएगा USD। तो मैंने यहाँ पे इथेरियम पे ले रखा है और 2x की लेवरेज मैंने ले रखी है, जिससे कि $100 तक के एक यहाँ पे पोजीशन जो है मेरे पास ओपन हो जाए। तो सिंपली ओपन पोजीशन के ऑप्शन पर क्लिक किया एंड कन्फर्म ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। सेम ईयर आप यहाँ से पोजीशन को क्लोज भी कर सकते हैं। सो बस इस तरीके से ही पोजीशन को ओपन करके क्लोज करके आपका कुछ देर में यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा और आप अपनी NFT को क्लेम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेस्ट पे। सो नेक्स्ट जो क्वेस्ट हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे क्लीपर की साइट से ले रहे हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर आइए, पहले स्टार्ट को इसके ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। सो फर्स्ट का आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड एंड कम्प्लीटेड। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे $20 डिपॉजिट करके आपको OP में लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है ऑप्टिमिज्म पे। ठीक है गाइस, तो इनको फॉलो कर लीजिएगा ट्विटर पे और इसे भी फॉलो कर लीजिएगा और इसका डिस्कॉर्ड सर्वर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सो गाइस क्लीपर के इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे लॉन्च ऐप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ आने के बाद आपको बोला गया है $20 से ज़्यादा का अमाउंट जो है आपको लिक्विडिटी पूल में देना है। तो मैं यहाँ पे अगर आपके पास में जो भी टोकन हो जो आपको लगे कि आपके पास $20 से ज़्यादा का है, आप वो सिलेक्ट यहाँ पे कर लीजिएगा। लिक्विडिटी वाले सेक्शन पे आइएगा, यहाँ पे आपको पूल वाला ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ आने के बाद में आपको क्लीपर पूल मिल जाते हैं, एंटर द पूल। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड। आई अंडरस्टैंड। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया हुआ है कि एक बार अगर आपने $20 से ज़्यादा का अमाउंट, चाहे वो 21 हो, 22 डेज हो, आपका अमाउंट जो है वो 10 डेज के लिए यहाँ पे लॉक हो जाएगा। 10 डेज बाद ही आप अपनी लिक्विडिटी को रिमूव कर पाएंगे और अपना फंड अपने पास ले पाएंगे। ओके गाइज, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप 10 लिख दीजिए। सो आपको यहाँ पर बताया हुआ है हर चीज़ के क्वेश्चन का आंसर, बस आपको यहाँ पर इनको कंफर्म करते रहना है और ये आंसर आपको वहाँ पर दे देना है। देन आपको बोला जाएगा यहाँ पे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करने के लिए, आप डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लीजिएगा, ट्विटर पे इसको फॉलो कर लीजिएगा। देन बस आपके पास यहाँ पे एड लिक्विडिटी का ऑप्शन हो जाएगा। जो भी टोकन आप यहाँ पे $20 से ज़्यादा का हो, आप यहाँ पे लिक्विडिटी को प्रोवाइड कर दीजिएगा और आपको यहाँ पे जो है 10 दिन के लिए आपका अमाउंट यहाँ पे लॉक हो जाएगा। उसके बाद ही आप इसको अनलॉक कर पाएंगे और विड्रॉ कर पाएंगे। प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, टोकन को बस अनलॉक करके एक बार आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद ही आपका ये अमाउंट जो है वो कन्फर्म हो जाएगा, ये आपका एड्रेस, और उसके बाद में आप यहाँ पे वेरीफाई करके अपनी जो भी NFT है उसको क्लेम कर सकते हैं। तो भरते हैं नेक्स्ट क्वेस्ट की साइड। सो गाइस क्लीपर में ये तो आपको समझ आ गया कि $20 से ज़्यादा की आपको लिक्विडिटी किस तरीके से देनी है, कितने टाइम के लिए लॉक रहेगी और कब अनलॉक एंड विड्रॉ आप कर पाएंगे और NFT को क्लेम कर पाएंगे। सेकेंड, यहाँ पर एक और कंडीशन आपको पूरी करनी है, जो कि इन्होंने बोला है $20 से ज़्यादा का इक्विटी अमाउंट जो है वो आपको को ऑन क्लीपर के ऑप्टिमिज्म पे देना है। तो एक तो पुल हो गया, एक आपका को हो गया। जब आप यहाँ पे क्लीपर के पेज पर आते हैं, लिक्विडिटी पे क्लिक करते हैं, तो नीचे आप देख सकते हैं कि कोव्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। गाइस यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे को मतलब होता है इनका खुद का को टोकन्स हैं। मैं बता दूंगी किस तरीके से आपको यहाँ पर स्वैपिंग जो है वो करनी है। तो सिंपली आपको यहाँ पर आना है, स्वैप वाले फीचर पे आपको आना है। सो ऊपर यहाँ पे आप जो ऑप्शंस रखेंगे वो OP टोकन का रखेंगे और नीचे जो है वो आपको ये देखेंगे को असिस्ट, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर नीचे की साइड में। इनमें से किसी भी टोकन में आप यहाँ पे OP टोकन से इन टोकन्स में जो है स्वैपिंग को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, पर ऊपर OP नीचे SNS, $20 से ज़्यादा के अमाउंट के OP टोकन्स को इसमें आप स्वैपिंग कर लीजिएगा। सो बस गाइज इसमें इतना ही करना होगा, बस इतना करने के बाद ही आपका ये वाला सेकंड टास्क कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आप चाहें तो अपने दोबारा जो भी आपका कोव टोकन्स है उसको दोबारा आप OP के अंदर कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो ये इस तरीके से टास्क को कंप्लीट करना है।
नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे क्वेस्ट लेने वाले हैं वो यहाँ पे ग्रैनरी का लेने वाले हैं। सिंपली यहाँ पे आ जाते हैं, स्टार्ट क्विज, फर्स्ट का आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का आंसर एंड डन। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, लैंड करना है $50 वर्थ ऑफ टोकन्स को ग्रैनरी प्लेटफॉर्म के एक्सचेंज पे, और बोरो करना है $20 का अमाउंट ग्रैनरी पे, एंड फॉलो करना है इनका ट्विटर। दैट्स इट। सो गाइस इसके वेबसाइट पे आ जाइए, यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट के सेक्शन पे आप क्लिक कीजिए। वॉलेट कनेक्ट होने के बाद में आपको क्या बोला है, यहाँ पे $20 का डिपॉजिट करना है कम से कम, राइट? तो हम यहाँ पे इसे डिपॉजिट कर लेते हैं पहले USDC में ही। सिंपली मैंने यहाँ पर क्लिक किया एंड डिपॉजिट वाले सेक्शन पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। सो गाइस यहाँ पे चेन चेक कर लीजिएगा, मैंने चेन चेक नहीं करी थी जिस कारण ऑप्शन शो नहीं हुआ था। ऑप्टिमिज्म आपके पास होनी चाहिए। फिर सिंपली आप यहाँ पे डिपॉजिट वाले सेक्शन पे आइए। अब आपको जो भी यहाँ पे डिपॉजिट करना है उस कॉइन को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे मिनिमम $50 बोला है हमें, तो मैं यहाँ पे $51 जो है वो डिपॉजिट कर देती हूँ। चलिए $52 यहाँ पे डिपॉजिट कर देती हूँ। सिंपली कंटिन्यू कर देते हैं। अप्रूव होने के लिए आपके पास ट्रांजेक्शन आएगी, इसको अप्रूव करते हैं। सिंपली कन्फर्म। सेकेंड यहाँ पे डिपॉजिट की ट्रांजेक्शन आएगी, आपको इसे भी कंफर्म करना है। सिंपली कंफर्म एंड जस्ट फिनिश। तो आपका ये अमाउंट जो है वो डिपॉजिट हो गया है। अब आपको यहाँ पे बोरो करना है, तो मैंने बोरो वाले सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक किया है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे जो OP है वो बोरो कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे 30 OP ले लेती हूँ, कि 30 OP इज इक्वल टू $20 से थोड़ा ज़्यादा ही अमाउंट रहेगा जो हमने बोरो कर लिया है यहाँ पे। सिंपली कन्फर्मेशन आएंगी, तो आप इसे बोरो कीजिए। सिंपली कन्फर्म। बोरो का टास्क यहाँ पे ख़त्म। अब यहाँ पे हम गैलेक्सी पे आ गए हैं। मैं पेज को रिफ्रेश करती हूँ और देखिए सभी टास्क कंप्लीट करने के बाद ये यहाँ पे क्लेम के लिए मेरे पास आ चुकी है। इसे NFT को क्लेम कर लेते हैं। सिंपली हमने इस NFT को क्लेम कर लिया। अगेन आप यहाँ पर आके अब क्या करिए, अपने फंड को यहाँ से ले लीजिए। पहले आप यहाँ पे रीपे कर दीजिए, हमने OP बोरो किए थे तो पहले इन OP को हम रीपे कर देते हैं, पूरे 30 के 30 अमाउंट को। एंड देन आप अपने अमाउंट को यहाँ पे रीपे कर लीजिए। कंफर्म। अब आपने जो ये डिपॉजिट किया था अपना फंड, आप इसको बोरो कर लीजिए USDC से। विड्रॉ वाले सेक्शन पे आइए, इतना अमाउंट आप यहाँ पे विड्रॉ कर लीजिए। सिंपली आपका फंड आपके पास। नेक्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ पे परपेचुअल। सिंपली क्लिक करते हैं स्टार्ट क्विज, फर्स्ट आंसर एंड सेकंड आंसर। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, $100 से ज़्यादा के USDC अमाउंट का क्या करना है, ट्रेड करना है इनके प्लेटफॉर्म पे। तो सिंपली ये आपका प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको लॉन्च ऐप के ऑप्शन पे क्लिक करना है जो आपको इनके प्लेटफॉर्म पे लेके जाएगा। कनेक्ट वॉलेट। तो बस गाइस यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, इसको पूरा ओपन होने में काफ़ी टाइम लगा। अब आपका जो फंड है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है कि आपको $100 से ज़्यादा की यहाँ पर ट्रेड करनी है, तो मैं यहाँ पर कुछ फंड अपना डिपॉजिट करूँगी। तो गाइज आपके पास कुछ इस तरीके से आए तो आप स्किप फॉर नाउ कर दीजिएगा। अब आपके पास तो USDC है, आप उसमें से कितना अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहते हैं जिससे कि आप ट्रेड को कंप्लीट कर पाएँ, तो मैं यहाँ पे $55 जो है वो मेरा यहाँ पे अप्रूव करती हूँ डिपॉजिट के लिए। ट्रांजेक्शन अप्रूव हो गई है यहाँ पर भी, ये हमारा फंड अप जो है डिपॉजिट हो गया है USDC। अब इस फंड से मैं दो बार ट्रेड करूँगी जिससे $100 से ऊपर की ट्रेड हो जाएगी। ट्रांजेक्शन सेंड। नाउ हम यहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं। ट्रांजेक्शन कंफर्म। एंड नाउ अब हम ट्रेड करेंगे इस ट्रेड वाले सेक्शन पे आके। तो आप यहाँ से कोई भी टोकन सेट कर लीजिएगा, लाइक मैं यहाँ पे ETH ले लेती हूँ। सो लॉन्ग एंड शॉर्ट की कंडीशन है यहाँ भी, तो मैं सिंपली अगर इसको थोड़ा सा बस गाइज मैंने यहाँ पे इसको लॉन्ग पे रखा है और इतना थोड़ा सा बढ़ाया जिससे कि यहाँ पे $110 तक का ट्रेड यहाँ पे हो जाए। एंड सिंपली यहाँ पे मैं कंफर्म करती हूँ अपनी पोजीशन को। कंफर्म। जब तक ट्रांजेक्शन कंफर्म हो रही है हम यहाँ पे NFT वाले पेज को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी पोजीशन शो हो चुकी है और NFT वाले पेज पे भी क्लेम के लिए आ गई है, तो आप इसे क्लेम कर लीजिए। सिंपली कंफर्म।
और यहाँ से आप अपनी पोजीशन जो है वो क्लोज़ कर सकते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पे आपको $50 से करके बताया, आप चाहे तो $10 या $20 से भी इजीली इसको कर सकते हैं, बस $100 से ज़्यादा का अमाउंट वहाँ पे अपनी पोजीशन में रखिएगा। नेक्स्ट जो है हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं पॉलिनोमियल, लेते हैं यहाँ पे स्टार्ट एंड देन जस्ट स्क्विज राइट द आंसर फर्स्ट वन एंड नेक्स्ट। गाइज अब इन्होंने यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दी, पहले केवल इतना था कि यहाँ पे डिपॉजिट करना था हमको इनके V2 वॉल्ट में इसके प्लेटफॉर्म पे, और किसी भी तरीके का कोई भी अमाउंट सेट नहीं था, बट राइट नाउ उन्होंने अमाउंट सेट कर दिया है कि 1000 USDC से ज़्यादा का अमाउंट जो है वो हमें यहाँ पे डिपॉजिट करना है। तो सीधी सी बात है कि अगर $1000 से कम का अमाउंट आपके पास है तो 1 वीक के लिए आपको वॉल्ट में रखना होगा, और अगर $1000 से ज़्यादा का अमाउंट है तो आप 24 घंटे में रखकर अपना अमाउंट जो है ले सकते हैं। बाकी इनको आप फॉलो कर लीजिए और इनको डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर लीजिए, ये इनका अभी टर्म एंड कंडीशन है, तो अभी इसको मैं नहीं करूँगी, किस तरह करना है ये ज़रूर बता सकती हूँ। सिंपली आप इनके प्लेटफॉर्म पर आइए, मान के चलिए कि आपके पास $100 भी हैं या $200 भी हैं या $50 भी है, जिससे आप एटलीस्ट 1 वीक के लिए रख सकते हैं, तो आप इस टास्क को कर लीजिएगा जो $1000 से कम के उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो अपने वॉलेट को आप यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिएगा। तो गाइस वेबसाइट पे आके वॉलेट कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे वॉल्ट जो हैं वो मिल जाते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर मैं यहाँ पे USD का ही वॉल्ट लेती हूँ, तो आपको यहाँ पे आके देखिए डिपॉजिट का ऑप्शन, विड्रॉ का, दोनों का मिल जाता है। तो $10 भी अगर आपके पास है और एक हफ्ते तक अगर आप यहाँ पे रख सकते हैं NFT को क्लेम करने के लिए, तो ज़रूर रख लीजिएगा। बट यहाँ पे देखिए जो आपका अमाउंट है वो यहाँ पे SUSD डिपॉजिट के लिए मांग रहा है, तो आपके पास तो USD होगा, तो आप उसकी स्वैपिंग कैसे करेंगे? या तो यूनिस्वैप है या फिर इनका खुद का स्वैपिंग फीचर भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप टोकन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, USDC या कोई भी अमाउंट है, और उसको यहाँ पे SUSDC में स्वैप आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस वाली NFT को भी क्लेम कर पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में यही 6 NFTs किस तरीके से आपको क्लेम करनी है ये मैंने बताया है। अगर आपको और भी NFTs के बारे में जानकारी लेनी है कि किस तरीके से मैंने इन NFTs को क्लेम किया, सो प्लीज़ आप मेरी लास्ट इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा जो 15 दिन पहले मैंने बनाया था। थोड़ा थोड़ा फंड आपके पास आता जाए, एक एक करके आप टास्क को कंप्लीट करते जाइए, जिससे कि जनवरी तक हमारे पास 18 out of 18 NFTs जो है वो हो सके टू बी एलिजिबल फॉर फ्यूचर एयरड्रॉप्स। आई जस्ट होप कि वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और एक्टिव रहिए हमारे टैग अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पर फॉर मोर इंपॉर्टेंट एयरड्रॉप अपडेट टेस्टनेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।